हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी टेट और सीटेट की एग्जामों में अधिकतर पूछे जाते हैं। ये प्रश्न संबंधित हैं अधिगम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने कबूतर पर प्रयोग किया था? ए स्किनर, या बी थार्नडाइक, या सी रास, या डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ए होगा, स्किनर ने। कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास उतना अधिक होगा, ये मत है। वैसे इसका ये मत है कोहलर का, बट इसमें चारों में कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका डी ऑप्शन होगा, कोई नहीं। भूल भुलैया किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? रास, बी गुथरी, या सी टालमैन, या डी हाल। इसका सी ऑप्शन होगा, टालमैन। अधिगम के लिए केंद्रीय तत्व है अधिगम, पुनर्वलन, या जन्मजात, या डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, पुनर्वलन। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? ए गुथरी, बी रास, या सी हल, या डी टालमैन। इसका करेक्ट आंसर होगा डी टालमैन। टाइप मशीन चलाना अधिगम है? ए अभ्यास का नियम है, या बी तत्परता का नियम है, या सी प्रभाव का नियम, या डी प्रयास एवं त्रुटि। ये इसका करेक्ट आंसर होगा ए अभ्यास का नियम है। साइकिल चलाना अधिगम है? ए क्रिया प्रसूत, या बी प्रयास एवं त्रुटि, सी प्रभाव का नियम, या डी अभ्यास के नियम। इसका करेक्ट आंसर होगा डी अभ्यास का नियम। समय की पाबंदी का ज्ञान होता है अभ्यास के नियम से, या तत्परता के नियम से, या अनुकूलित अनुक्रिया, या डी क्रिया प्रसूत। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, अनुकूलित अनुक्रिया। प्राकृतिक उद्दीपक है? ए भोजन, बी भूख, या सी पुनर्वलन, या सी घंटा की आवाज। इसका करेक्ट आंसर ए होगा, भोजन। अप्राकृतिक उद्दीपक है ए घंटों की आवाज, या बी भोजन, या सी भूख, या डी पुनर्वलन। इसका करेक्ट आंसर होगा ए घंटों की आवाज। सीखने के लिए किस तत्व का होना आवश्यक है? ए आनंद, या बी भोजन, या सी भूख, या डी पुनर्वलन। इसका करेक्ट आंसर होगा सी भूख। चिंपांजी सुल्तान पर किसने प्रयोग किया था? ए कोहलर, बी थार्नडाइक, या सी पावलोव, या इनसे कोई नहीं, डी। इसका करेक्ट आंसर होगा कोहलर। कोहलर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? ए जर्मनी, बी अमेरिका, सी इंग्लैंड, या डी रूस। इसका करेक्ट आंसर होगा डी रूस। अधिगम सोपान की को आर एम गैने कितने वर्गों में विभाजित करते हैं? ए सात वर्गों में, या बी आठ वर्गों में, या सी छः वर्गों में, या डी ग्यारह वर्गों में। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये वर्गों होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा बी आठ वर्गों में। थार्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में पुनर्वलन का कार्य करता है? ए बिल्ली, बी अनुक्रिया, या सी उद्दीपक, या डी में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, उद्दीपक। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक है ए क्लास ए एल हाल, या बी पावलो, या सी स्केनर, या डी कोहलर। इसका करेक्ट आंसर होगा डी कोहलर। समता अनुबंध सिद्धांत है एडविन रे गुथरी का, या पावलो का, या सी स्केनर का, या डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ए एडविन रे गुथरी। टाइप आधना थार्नडाइक के किस सिद्धांत से संप्रभावित है? ए तत्परता का नियम, बी प्रयास, या सी अभ्यास का नियम, या डी त्रुटि और प्रभाव।
इसका करेक्ट आंसर होगा सी, अभ्यास का नियम। ओके, थैंक यू।